हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 15 मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, क्या हमें सवाल कहना चाह रहे हो। बहुत इजी सवाल है ये, एक्सरसाइज बहुत इजी है, जो आपने बहुत पढ़ी भी है अच्छे से, काफी बच्चों ने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, गिवन ए जीपी विद ए, हमें यहाँ पर ए दे रखा है 729 एंड सेवंथ टर्म। भाई जीपी का सेवंथ टर्म का मतलब है ए सेवन, और ए सेवन को लिखा कैसे जाता है, ए आर की पावर 6, ये दे रखा है 74, और हमें फाइंड आउट करके बताना है एस सेवन। तो पहला काम, ये ए का मान रखो आप यहां पर, ए इंटू में आर की पावर 6 बराबर 64, तो आर की पावर 6 729 इंटू में आर की पावर 6 64, आर की पावर 6 आ जाएगा 64 अपॉन में 729। अब जैसे ही सॉरी R का मान निकालेंगे, ये जो 6 है इधर चला जाएगा और R बराबर क्या आ जाएगा 64 अपॉन में 729 इसकी पावर 1/6। अब देखो 2 की पावर 6 होता है 64 और 3 की पावर 6 होता है हमारे पास 729, यानी कि R मेरा कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। और यहां से अगर मैं चेक करूं कि R 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो आप क्या देखोगे कि R यहां पर 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला एस एन का कौन सा वाला लगाओगे आप इस सवाल में, A इंटू में 1 माइनस आर एन अपोन में 1 माइनस आर, कर दीजिए सॉल्व। एस सेवन का मतलब है A हमारा 729 है, 1 माइनस 2/3 इसकी पावर 7 डिवाइड मेरे पास आएगा 1 माइनस 2/3, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 729 और बटे में 3 आ जाएगा 1 माइनस 2/3 और इसकी पावर 7। इसको काट भी सकते हो ना, 3 × 6 = 312, यानी कि 1 − 2/3 की पावर 7, यही हमारा आंसर हो गया। आप यहीं पर इस आंसर को छोड़ सकते हैं, बस फॉर्मूले ध्यान से देखना है कि अगर R 1 से छोटा है तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर R हमारा 1 से बड़ा है तो हम करेंगे R की पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सभी को शेयर कर दीजिए, और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है क्लास 11 की, हर एक सवाल का एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।